हे व्हाट्स अप गेमर, इट्स योर बॉय शेयर। पर आज के लिए बात करने जा रहे हैं हमारे कंट्रोल स्कोर के ऊपर। तो क्या जो मेरे कंट्रोल कोर्स, जैसा कि आपको पता होगा मैं एडीएस प्लेयर हूँ, मतलब यानी मैं फोर फिंगर खेलता हूँ और एडीएस से खेलता हूँ। एडीएस मतलब अपन जो होता है ना थम से अपना एम करता हूँ, ये जो एम करता हूँ मैं थम से करता हूँ। मैं नॉन गायरो प्लेयर हूँ, सिंपल सी स्वीट बात, नॉन गायरो। अब जो लोग नॉन गायरो हैं ना ये कंट्रोल कोर्स उनके लिए, साथ में जो गायरो वाले उनके लिए भी कंट्रोल कोर्स मतलब सेम ही है, बस हल्का सा डिफरेंस मैं आपको बताऊँगा आप कैसे चेंज कर सकते हो। कैसे फटाफट से हम कंट्रोल खोलते हैं। सबसे पहले गाइस यहाँ पे हम दो चीज़ें देखिए, अब जो बटन थोड़ा चेंज हो गए, हमारा जो लेआउट चेंज हो चुका है कंट्रोल्स एंड कस्टमाइज बटन्स का ऊपर जो आ रहा है चीज़ें। तो गाइस ये जो है बेसिक कंट्रोल्स की मैचिंग्स मिलती है यहाँ पे, जब देख सकते हो कैमरा रोटेशन एडीएस टू फ्रेंड। ये जो चीज़ है सिंपल बताता हूँ कि जब जो ये स्कोप वाला बटन होता है, कैसे स्कोप वाला बटन है, इसमें आप जैसे करते हो तो ये वाला एस एस होता ना, इसमें इसके लिए पूछा जा रहा है, तो मैं इसको डिसेबल करता हूँ। और एक और साइड में है और ये सारी मतलब चीज़ें हैं, तो आप इनको आराम से देख के समझ सकते हो। कैमरा रोटेशन भी लैंडिंग मतलब जैसे इसके इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो करते हैं अपने, तो यहाँ पे मतलब जो फिंगर मूव हो रही है तब वो हमें चालू रखना नहीं रखना। तो फिर मैंने एक जगह चालू रखा, ऊपर बंद कर रखा है स्कोप व्यूअर। और कहीं एडवांस कंट्रोल स्कोर जो मतलब कंट्रोल सेटिंग है जो आप समझ सकते हो। मैं हम बात करते हैं हमारे कस्टमाइज कंट्रोल्स के ऊपर, मतलब जो मेन टॉपिक है। तो कैसे मैं थर्ड लेआउट में खेलता हूँ, और अगर आपको किसको भी मेरे कंट्रोल कोड चाहिए तो कैसे आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। मैं जो इंस्टा की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ पे मुझे डीएम कर देना और मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूंगा। साथ ही मैं अभी के लिए फिलहाल के लिए जो जो कंट्रोल कोड है मेरे मतलब वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हो। जिनको नहीं पता कॉपी कैसे करना है पेस्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो कैसे मैं कंट्रोल खोलते हैं, तो कुछ मैसी मैसी से कंट्रोल है, लेकिन आपको फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा अलग दिख रहे होंगे, लेकिन ये इतना ज़्यादा टफ है नहीं, काफ़ी इजी कंट्रोल है, बस उनका कर इस टाइप का रखा है। तो कहीं सबसे पहले गर गई है दोनों ये रही, मैं थोड़ी ट्रांसपेरिटी हाई कर देता हूँ थोड़ी बहुत, मैंने को काफ़ी ज़्यादा लो करेगी अपनी जो कंट्रोल्स की होती है ट्रांसपेरिटी। तो कहते हैं स्कोप का जो जो ग्रेनेड का बटन वो यहाँ पे है, और जो मेरा क्रॉच है ये फ्रेंड ये वाला यहाँ पे, और ये वाला जो बटन है यहाँ पे, और थोड़ा ये वाला मतलब एफ पी पी का मतलब मेन में सिस्टम होता है थंब पे है। मैं अपने फिंगर से और जो पीक वाला दोनों मतलब स्कोप कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे जो है ये दोनों क्राउच एंड प्रोन का बटन नीचे है, लूट वूट का भी यही है, और जो है ना ये वाला भी यही है। जब हम कार यहाँ से चला रहे होते हैं नीचे से, तब यहाँ पे हम क्लिक करके कर सकते हैं। मतलब ये कुछ कंट्रोल आपको देख रहे होंगे, आप थोड़ी देर आराम से देखिए, मैं आपसे कुछ बातें करूँ, आप उनको देखिए आप कॉपी कर सकते हो गाइस। और ये कुछ यहाँ पे फोकल लेंथ का ये वाला यहाँ पे, ये मेरा यहाँ पे, और ये मेरे डिवाइड वाला बटन ऊपर रखा है। ये जो बटन है कौन सा, मतलब जो ना केरी वाला बटन इसको मैंने रखा है, और जॉयस्टिक इधर मतलब जॉयस्टिक साइज़ के ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई जो आप जाके देख सकते हो। अब गाइस बात करते हैं हमारे मतलब मेन आपको जो होता है ना किसी तरह कॉपी करना है किसी कंट्रोल। तो गाइस सिंपल सा आइडिया है, आपको जैसे यहाँ पे आना है सर्च में, जैसे यहाँ पे जो फिर जो आपको कोड में दूंगा अपने इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में, हाँ जो कोड होगा आपको उसको यहाँ पे पेस्ट करना है इस तरह। उसको पेस्ट करने के बाद सर्च कर देना है, और जैसे वो आएगा तो उसको आपको अलाउ करके मतलब अप्लाई कर देना है, ठीक है। प्लस आपके खुद का कंट्रोल आपके साथ शेयर करें, तो फिर यहाँ पे आपको शेयर करके इससे आप ये जो कंट्रोल पड़ता है इस टाइप का ही होता है, इसको करके आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के। अब कैसे हम बात करते हैं हमारे कुछ मेन चीज़ में, जैसे आप जायरो प्लेयर हो तो फिर मैंने एडीएस के इस तरह से रखा हुआ है, जैसे मैं इसको लीव करता हूँ ये, तो मैं जब अपने जिगल दे रहा हूँ जिस मोमेंट दे रहा हूँ, तो मैं क्राउच एंड फायर भी कर सकता हूँ। आप देख पा रहे हो ये जो मैं क्राउच एंड फायर भी कर सक रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं क्राउच बटन ऊपर है, पहले मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ पे मैं जब क्लिक करता था तो मैं अपना एम में मुझे मिस्टेक करना फिर, क्योंकि जैसे मान लो ये सामने बंदा आ गया तो मैं इसको कर रहा हूँ, तो मैं एम सही से कर पाता, जैसे लाइक मैं यहाँ पे मतलब कुछ भी कर रहा हूँ जब हम करूँ तो मेरा जो एम होगा गाइस वो बंदे पे सही नहीं रहेगा, ठीक है, वो डाउन होगा। इसलिए अब मैं अपना एम भी एडजस्ट कर सकता हूँ बंदे पे, जैसे ये आप जैसे देखो आपको बताता हूँ, यार ये क्योंकि मैं क्राउच एंड फायर जिगल भी दे पा रहा हूँ, क्राउच एंड फायर भी कर पा रहा हूँ, और मेरा एम भी सही रह रहा है, ये इसलिए मैं इस क्राउच वाले बटन को ऊपर रखा है। इसको बड़े 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 साइड में रखा हुआ है इस पीछे से, तब जो एमरजेंसी जब खोल लेता हूँ उसको, बाकी मैं हिप फायर पर ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ अपनी। इसलिए अब वह बात करता है गायरो प्लेयर हो तो कैसे कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली मेरे साथ आपके लिए बेहतर बेस्ट चीज़ है जो ये वाला बटन है, फोन वाला बटन है, इसको आपको क्राउच वाले बटन की जगह रखना है, और जो ये वाला आपका जंप का एयर बटन है इसको आपको इस फोन वाले बटन से रख के और क्राउच वाले को यहाँ पे रख देना है। मतलब अनकंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, मैं आपको सिंपली बताता हूँ। जैसे मैंने आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ये वाला बटन है इसको यहाँ पर लेके आ जाना है, और इस बटन को यहाँ पे और इसको यहाँ पे मतलब सिंपली जैसे लेके आ जाना है। इससे फायदा ये होगा कि आप गायरो प्लेयर हो तो आप इजीली यहाँ पे मतलब अपना जो थंब से फास्ट मूवमेंट हो ज़्यादा फास्ट मूवमेंट दे पाओगे। और आपको चीज़ बताऊँ, अगर आपके फोन में गायरो सपोर्ट करता है तो प्लीज़ गायरो के लिए, मेरे फोन में सपोर्ट नहीं करता इसलिए मैं नहीं खेलता, बाकी आपके फोन में सपोर्ट करता है प्लीज़ गायरो के लिए, क्योंकि उससे आपकी मतलब काफ़ी सारी हेल्प हो जाती है गेम के अंदर। तो बस ये मेन चीज़ थी मैं आपको सिंपली बता दी अपने कंट्रोल्स के बारे में, साथ में कंट्रोल कोर्स के लिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि मैं इंस्टाग्राम से आपको प्रोवाइड करा दूँगा, इंस्टाग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। प्लस साथ में अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा अगर आपको वैलिड होता है कुछ कम कुछ टाइम के लिए वैलिड होता है, जब तक आप अगर जल्दी आप इस वीडियो पर क्लिक किया आपने तो फिर अभी मिल जाएगा, बाकी मैं आपको इंस्टाग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा मेरे कंट्रोल को। बाकी कंट्रोल आप सिंपल चेप भी सकते हो, यहाँ से मैंने आपको बता दिया किस तरह चेपने आपको कंट्रोल्स को। बाकी ये थे मैं इसमें कंट्रोल्स, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेटे इन।